अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं फ्रूट चाट बनाने लगी हूँ, आप लोग मेरे तरीके से इसे बनाएं, तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये 3 से 4 खजूरें इनको ऐसे बारीक काट लिया है, और ये 1-2 एप्पल हैं ये मैंने बारीक से काट दिए हैं, ये इसमें चले जाएंगे। फिर मैंने ये बारीक से केले काट लिए थे, वो भी इसमें चले जाएंगे। नाशपाती है, इसको भी मैंने स्किन समेत बारीक काट लिया, ये भी इसमें चली जाएगी। एक ये किन्नू है, इसको मैंने छील के इसको भी ऐसे मैंने क्यूब में कट कर लिया, ये भी इसमें चला जाएगा। वहाँ पे मैंने एक किन्नू को अच्छी तरह दरमियाने से काट लिया और इसका रस इस तरह इसमें तोड़ दिया। इससे भी फ्रूट चाट का टेस्ट बहुत मज़े का बन जाता है। ये सारा इसमें तोड़ दूँगी, जो बाकी का है वो भी इसी तरह तोड़ दूँगी। ये ब्लैक वाली किशमिश है जो बाजार से इजीली मिल जाती है, वो भी इसके अंदर चली जाएगी। आधा टीस्पून इसमें मैं चीनी का डालूंगी और आधा भी टीस्पून इसमें मैं नमक का डालूंगी। 1 टीस्पून इसमें मैं चाट मसाला डालूंगी और 2 से 3 टेबलस्पून के करीब ही मैं फ्रूट कॉकटेल डालूंगी। ये बाजार से आसानी से मिल जाता है और ये वाले इसमें थोड़ा सा डाल। सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ। ये फ्रूट कॉकटेल में जो थोड़ा सा जूस होता है ये भी इसके अंदर चला जाएगा, ताकि सारे फ्रूट्स का अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाए। इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स करती हूँ। देखें जी, हमारी कलरफुल सी फ्रूट चाट बन के तैयार हो गई है। आप भी इसे मेरे तरीके से बनाएं और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। इंशाल्लाह ताला मैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।